वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारिका ऐसा प्राचीन शहर है, कहते हैं, जिसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ऐसा क्या हुआ था कि पूरी नगरी समुद्र में समा गई, और वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र में इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं द्वारिका नगरी का इतिहास और इसके रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के बारे में, जिसे कहते हैं आज भी समुद्र की गहराइयों में स्थित है। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो देखने में विशाल और अति सुंदर था। इस नगर का नाम था द्वारिका नगरी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक खुदाई के दौरान मिली द्वारिका नगरी की कहानी। यह शहर उस प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है जिसका निर्माण उस समय हुआ जब कोई दूसरा विकसित शहर नहीं था। यह द्वारिका नगरी इतनी उत्कर्ष थी जैसे कि आज के बड़े बड़े विकसित शहर। भूतकाल में ना जाने कितनी ऐसी कहानी है जिन्हें आज हम मिथ्या मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि धरती के विकास के साथ यह सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गए, जिन्हें लेकर वैज्ञानिकों की खोज आज भी जारी है। समुद्र की गहराइयों में खोज करने पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारिका नगरी का रहस्य। हिमयुग की समाप्ति से समाप्त हुई द्वारिका कहते हैं 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई। उसके बाद समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में डूब गए। इन्हीं में से एक है द्वारिका नगरी। इतिहासकारों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी खुद ब खुद समुद्र में समा गई थी। द्वारिका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद किया था और अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। इसे भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी जाना जाता है। द्वारिका भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बाकी के 6 नगरों के नाम हैं मथुरा, काशी, द्वारिका, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारिका को द्वारावती, कोसास्थली, गोमती, द्वारका चक्र, तीर्थ अंतरद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी लंबी दीवारें थी। इन दीवारों का शहर होने की वजह से इस शहर का नाम द्वारिका पड़ा था। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारिका पहुंचे थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी। वह मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहता था। धीरे धीरे जब उसके अत्याचार बढ़ते रहे तो आखिरी में यादवों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण अपने कुल के 18 बंधुओं के साथ यहाँ द्वारिका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीता और 36 सालों तक राज करने के बाद कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, और यह वह दौर था जब यादवों में भयंकर युद्ध हो रहा था। इसके अलावा मगध और यवन देश के लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर चारों तरफ से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके परपोत्र वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश कुल के आखिरी शासक थे, जो यादवों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने के बाद अर्जुन, वज्र और शेष बची द्वारिका की महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर आ गए। उनके जाने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पूरी की पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई? द्वारिका नगरी के समुद्र में डूबने पर लोगों के अलग अलग मत हैं। सवाल उठता है कि भला कोई कैसे इतने बड़े शहर को नष्ट कर सकता है? कोई कहता है कि यह प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है,
तो कोई कहता है कि इसे एलियन ने नष्ट कर दिया होगा, तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराइयों को टटोलना शुरू किया। इस दौरान वैज्ञानिकों को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। द्वारिका के कुछ अवशेष मिले थे। द्वारिका के मिले समुद्र में अवशेषों पर सबसे पहले भारतीय वायु पायलटों की नजर पड़ी जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उसके बाद ही 1970 में जामनगर के गजेटिया में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एस आर राम ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राम और उनकी टीम ने समुद्र में 169 फीट नीचे द्वारिका की दीवार की खोज की, जहां उन्हें पुराने समय के कुछ बर्तन भी मिले थे। समुद्र में मिले अवशेष 1528 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी में भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राम ने कई रहस्य से पर्दा उठाया था।